नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां एक कार्यक्रम में विजुअल्स में साफ दिख रहा है कि बच्चे हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहने हुए हैं, जबकि उसी कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी, राज्य सरकार के एक मंत्री और स्थानीय विधायक गर्म कपड़े पहने हुए हैं। गर्मी के दिनों के यूनिफॉर्म पहने बच्चे हाथों में खिलौना थामे नजर आ रहे हैं। साथ ही स्थापना दिवस पर प्रोग्राम में कांपते रहे बच्चों के साथ अधिकारियों द्वारा इस दुर्व्यवहार की खबर को दिखाने को लेकर 3 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। प्राथमिकी में 3 पत्रकारों पर सार्वजनिक दुर्व्यवहार और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया है। कार्यक्रम के विजुअल्स में साफ दिख रहा है कि बच्चे हाफ पैंट और हाफ शर्ट पहने हुए हैं, जबकि उसी कार्यक्रम मौजूद खुद जिलाधिकारी, राज्य सरकार के मंत्री और स्थानीय विधायक गर्म कपड़े पहने हुए हैं। गर्मी के दिनों के यूनिफॉर्म पहने बच्चे हाथों में खिलौना थामे नजर आ रहे हैं। क्या अधिकारियों के बच्चे भी ऐसी खतरनाक ठंड में भी ऐसे वस्त्र पहनते होंगे? अधिकारियों की दबंगई के चलते पत्रकारों पर FIR दर्ज हुई है। अगर ऐसे ही सच को जनता तक पहुंचाने वाले पत्रकारों पर इसी प्रकार से गलत आरोप लगते रहे तो एक दिन जनता कभी भी सच नहीं देख पाएगी। ये 3 पत्रकार एक ही स्थानीय चैनल के लिए काम करते हैं, उसी चैनल पर ये खबर दिखाई गई थी। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कार्यक्रम में वे 3 पत्रकार मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद उन लोगों ने जानबूझकर योगा और शारीरिक व्यायाम के कार्यक्रम को गलत तरीके से पेश किया गया। अब वही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पता होना चाहिए कि ऐसी कड़ाके की ठंड पर क्या योगा का कार्यक्रम करना जरूरी था? क्या ऐसी ठंड में हाफ कपड़े पहनकर बच्चों को योगा सिखाना कौन सी मजबूरी थी? क्या बिना योगा के कार्यक्रम इनका संपन्न नहीं होता? देखते रहिए खास रिपोर्ट इंडियन प्राइम न्यूज पर। बेटा क्या नाम है आपका? शिवांगी। कौन सा गांव है? सरसी। अच्छा, कल आप इको पार्क में गए थे, क्या कार्यक्रम था, किसने बुलाया था आपको? सर ने। अच्छा, किस लिए गए थे वहाँ पे? कार्यक्रम करने। अच्छा, फिर कैसे वहाँ पे खड़े हुए, किस गाड़ी से यहाँ से गए थे? ओमनी से गए थे। अच्छा, फिर वहाँ पे जब आप लोग खुले में खड़े हुए, किस ड्रेस में थे, कितनी तेज ठंड लग रही थी? बहुत तेज ठंड लग रही थी, हाफ ड्रेस में थे। अच्छा, हाफ ड्रेस में क्या क्या पहने थे? कुछ भी नहीं, हाफ ही गले पहने थे, हाफ पैंट और शर्ट। अच्छा, अगर वहाँ पर ठंड लग रही है, अगर कोई बात हो जाती तो क्या, कौन जिम्मेदार होता है इसका? सर। अच्छा, इसके बाद फिर वहाँ पे इतने लोग अधिकारी मौजूद थे, किसी ने आपसे कहा कि बेटा आप लोग कपड़े पहन लो जाके? नहीं। क्या नाम है आपका? कशिश। कल इको पार्क में कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पे कैसे गए थे, किसने बुलाया था और कितनी ठंड थी, आप लोग कैसे खड़े थे वहाँ पे? हम लोग खड़े थे, अद्दा लोबर था, अद्दी बुस्कर थी, वहाँ पे खड़े थे। किसने बोला था उतारने के लिए? सर जी कहते थे उतार दो, ड्रेस चेंज कर लो। अच्छा, तो यहाँ से किस तरीके से गए थे? यहाँ पे फुल पैंट और बुस्कर्ट, अजारे जैकेट पहन के गए थे। वहाँ कौन से कपड़े पहने थे? लोबर, अद्दी बुस्कर्ट। तो यहाँ से किस वाहन से गए थे? ओमनी से और ऑटो से। वहाँ जब खुले में खड़े थे, कितनी ठंड थी? ठंडी लगती थी। कपड़े थे आप लोग? हाँ। तो अगर ऐसे में कोई घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता है इसका? मास्टर जी। पिंके। कौन सा गाँव है ये? सर से। कल बच्चों को वहाँ भेजा था, तो क्या कार्यक्रम था? वो बच्चे बता रहे थे ठंड थी वहाँ, किस तरीके से बच्चे यहाँ से गए थे? बच्चे को पूरे फुल स्वेटर कपड़ा सब पहना भेजो तो। फिर वहाँ पर हमें मालूम नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्चे आपके ठंड से खुले आसमान में खड़े थे, क्या मानती हैं इसको? अगर बच्चे वहाँ बीमार हो जाएँ तो इसके जिम्मेदार हैं मास्टर हैं। हम तो यहाँ थे, कपड़े पहना के भेजा था, लेकिन वहाँ पर क्या किया क्या नहीं किया इसके जिम्मेदार सर हैं। इसमें बिटिया की क्या कंडीशन आपकी? वो तो सही है बिट्टी माई, लेकिन सुबह से नहीं उठी। तो हम लोग इतने कपड़े पहनते हैं, इतनी ठंड थी, पारा इतना हाई फाई था, तो बच्चे हाफ शर्ट और पैंट में खड़े हुए थे, सारे अधिकारी वहाँ मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो सर की गलती है,
ये सर को कपड़ा पहना के करना चाहिए, इतनी ठंड थी तो ना ले जाना चाहिए था। जो हम लोग इतना कपड़े पहनते, फिर बच्चे हाफ शर्ट में थे तो बच्चों को ठंड नहीं लग रही होगी क्या वहाँ पे? लग नहीं रही होगी क्या?